हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिला मणिकर्ण घाटी के मलाना की ऊंची पहाड़ियों में सुबह 4 बजे बादल फटने से सुबह सवेरे अचानक मलाना खड्ड में बाढ़ का मलबा मलाना पावर प्रोजेक्ट वन में आया, जिसके चलते मलाना पावर प्रोजेक्ट एडिट वन का डैम फट गया और उसके बाद मलाना पावर प्रोजेक्ट के एडिट टू में बाढ़ के मलबे ने भारी तबाही मचाई और डैम के साथ साथ मलाना सड़क में 3-4 पुलों और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे जरी के समीप बलाधी गांव में बाढ़ का मलबा आने से गांव में 3 मकान और 1 स्कूल भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में बालाजी गांव के 8 लोग बेघर हुए हैं, जिनको प्रशासन की तरफ से रहने खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है। वहीं इसके साथ सब्जी मंडी की 3 मंजिला भवन को भी भारी नुकसान हुआ है। बलाधी गांव से लेकर भुंतर तक जगह जगह पर लोगों के जमीनों बाग बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को जल्द राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं प्रभावित परिवारों को प्रशासन की तरफ से उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मलाना की ऊंची पहाड़ियों में सुबह बादल फटने से जल स्तर बढ़ गया, जिसके चलते मलाना पावर प्रोजेक्ट का गेट फट गया, जिसके चलते डाउनस्ट्रीम में बालाजी गांव में 3-4 मकान और 2 मंदिर को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना में 8 लोग बेघर हुए हैं, जिनको प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री और रहने खाने पीने का प्रबंध किया गया है। नाला में मलाना प्रोजेक्ट में जो उसके अपस्ट्रीम जो बादल फटने से जल स्तर बढ़ा है, डैम का पानी भी छोड़ा गया एहतियातन, और उससे डाउनस्ट्रीम बहुत बड़ा नुकसान, मैं जान को तो नहीं हुआ लेकिन माल को नुकसान हुआ है, लोगों की जमीनें बही है, 8 परिवार बेघर हुए हैं और उसमें 2 मंदिर भी बह गए हैं, और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि सड़क, अभी हम किसोल में है, सड़क पूरी की पूरी ठीक है, क्योंकि हमने पिछले साल जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में हमने जो जो वल्नरेबल पॉइंट थे जहाँ पे ज्यादा अंदेशा था वहाँ पे इस साल सुरक्षा की कॉन्क्रीटिंग की गई। इस सर्दियों में जो CRIF के तहत हमारे को पैसा मिला था और आपदा से हमने सबक लिया, उसमें काफी सुरक्षा दीवारें दी जा चुकी है। यही वजह है कि पिछले साल की त्रासदी में जहाँ यहाँ पे लगभग 15 से 20 दिन लग गए थे सड़क खोलने में, इस बार हम अभी पूरे ट्रैफिक यहाँ चल रही है और सिर्फ मलाना में जो पावर हाउस में लोग 37 लोग हैं जो सुरक्षित है, वो अपना वहाँ ड्यूटी दे रहे थे वो सुरक्षित है, ऐसे में कोई खतरे की बात नहीं है। मौसम विभाग के चेतावनी के विपरीत आज मौसम साफ है और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हम कोई भी ऐसा नुकसान इस घाटी में ना हो। 8 परिवारों को हमने बता दिया आपको नुकसान हुआ है, उसके साथ काफी लोगों की जमीनें गई है, मंदिर गए हैं और डाउनस्ट्रीम जो सब्जी मंडी को भी नुकसान हुआ, वहाँ पे अस्थाई रूप से शार्ट में जो है सब्जी मंडी जो स्थापित की जाएगी, उसके साथ में जो है पूरा क्षेत्र है इसमें जो जो काम करने के होंगे तुरंत किए जा रहे हैं और पूरा NDRF की टीम जो उसको मलाना पावर हाउस भेजा गया है, SDRF जो स्टेट NDRF की टुकड़ी जो कुल्लू में ही रहती है, NDRF है ये, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, और स्टेट डिजास्टर वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सुबह ही भेज दिया गया है और ऐसे में सभी लोग सुरक्षित है, उनसे बात हो रही है और शाम रहते सबको आप अपने स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा। आज रात को जिस तरह से यहाँ बारिश हुई तो पहाड़ों में ज्यादा बारिश होने की वजह से मलाना जो नदी है उसमें बाढ़ आने की वजह से जब वो पार्वती नदी में मिल गई तो उसने आसपास के क्षेत्र में बहुत नुकसान किया, चौकी गांव में, बलादी गांव में, साथ साथ में शाट में भी, शाट में हमारे स्थानीय लोगों का जो यहाँ पे मकान थे कुछ के रिहायशी थे, कुछ के बिल्डिंगे दुकानें भी थी, उसके साथ जितना भी पानी ने खारा किया और उसके साथ में जो शाट सब्जी मंडी थी APMC की, उसकी 3.5 मंजिला एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उस कम से कम 5.5 करोड़ की लागत से जो बनी हुई थी, उसके साथ में इनका ट्रांसफार्मर भी था और साथ में रोड था, तो कम से कम 6.5 करोड़ का तो अगर विभाग का ही नुकसान हुआ है, और साथ में जितने भी यहाँ छोटे वैली ब्रिजेस थे और आसपास की जो जमीनें थी उसको भी काफी नुकसान हुआ है। आने वाले समय में अगर बारिश किसी तरह रहेगी तो नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा। बारिश लगभग सवेरे 6 बजे के आसपास आ गई और ये सब्जी मंडी की बिल्डिंग जो है ना वो निकल गई और साथ में हमारा जो है ना बिल्डिंग जो है ना खतरे के कगार पर है, ये कभी भी यहाँ से जा सकती है, मतलब की पहाड़ियों से जो है ना बादल फट गया और अचानक जो है ना यहाँ पे बाढ़ आ गई, लगभग 6 बजे के आसपास आ गई, मतलब क्या बोलते APMC की बिल्डिंग थी वो भी चले गई 4 मंजिला और साथ में जो है ना हमारा जो है ना प्राइवेट लैंड जो है ना वो भी चले गई और साथ में यहाँ पे नुकसान होने के कगार पर खड़ी है हमारी बिल्डिंग।